बिजनौर वाइन से, मैं हूँ ललिता राजपूत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप यहाँ का व्यू देख के समझ सकते हैं कि आज की वीडियो का विषय है हमारी, जो हमारा ये बसंत ऋतु चल रही है और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी जो है दोस्तों, भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये हमारी परंपरा, भौगोलिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य तथा आध्यात्मिक पक्ष सभी का सम्मिश्रण है एक तरह से दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, उस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और भारतीय गणना के अनुसार भारतवर्ष में एक साल में लगभग 6 ऋतुएँ बताई गई हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो बसंत को, इन सभी ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से जो है, जब सर्दी के बाद हम सभी देखते हैं पतझड़ हो जाता है, सारे फूल सब मुरझा जाते हैं, तो जैसे ही बसंत शुरू होता है तो आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर नई नई पत्तियां कोमले फूटने लगती हैं, चारों ओर फूल ही फूल खिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो मन को कितना सुकून मिल रहा है। तो एक तरह से बसंत पंचमी को जो है वो बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। और इस दिन जो है माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है, बहुत ही ऊर्जामय ढंग से और विभिन्न प्रकार से पूरे ही भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का खास महत्व बताया जाता है और इस दिन पीली खिचड़ी भी बांटने का विधान कहीं कहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी का जो मुहूर्त होता है वह स्वयं में एक सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन यानी कि इस मुहूर्त में आपको कोई भी मुहूर्त निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहें तो इसमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी कार्य होते हैं। आज के दिन माता पिता को सरस्वती के आशीर्वाद दिलाना चाहिए और ज़्यादातर जो विद्यालय होते हैं उन सभी में आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो हम आपको एक विद्यालय में भी लेके चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की वंदना हम आपको दिखाएंगे, और जो शिशु मंदिर होते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं, या इनमें रोज ही वैसे तो माँ सरस्वती की वंदना की जाती है और बसंत पंचमी के अवसर पर तो बहुत से कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो माँ सरस्वती की एक बहुत मधुर वंदना आज हम आपको, हम बहादुरपुर के विद्यालय में आए हुए हैं, सरस्वती विद्या मंदिर है ये, तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए माँ सरस्वती की वंदना आपको सुनाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर संस्कार भी हम देना चाहें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरस्वती जो शिशु और विद्या मंदिर होते हैं, ये इनसे ज़्यादा संस्कार शायद बच्चों को कहीं भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर बच्चों को सुबह ही देखे माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उनकी पूजा बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है और ये प्रत्येक दिन का नियम होता है ओम का उच्चारण। आज हम आपको ये पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह के संस्कार इन विद्यालय में हमारे बच्चों को दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर दिया गया है, अब सरस्वती वंदना शुरू होगी।